सबसे पहले एमुलेटर को ओपन करेंगे और गेम को जो है प्ले कर देंगे जहाँ पर भी फोल्डर में गेम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्ले कर देते हैं और यहाँ पर बैक होना है और यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पर जाना है सिस्टम में और यहाँ पर जाना है नीचे। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इनेबल चीट्स का ऑप्शन, उसको जो है टिक कर दीजिएगा और यहाँ से हो जाइए बैक। ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू और यहाँ से जो है आपको बैक फिर से होना है और एग्जिट कर देना है, बाहर हो जाना है। फिर यहाँ से चलते हैं जो है एक जीडा रखा यूर एप्लीकेशन में जो कि एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। तो हम लोग आ चुके हैं जेडर कवर एप्लीकेशन में। अब जाइए वहाँ पर जहाँ पर जो है चीट फाइल को रखा है जो कि कंप्रेस है, तो यहाँ पर मैंने बाहर रखा है नीचे। तो चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ऐसी फाइल है, इसको डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर जो है इस फाइल पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट डॉट 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 और जाइए ऊपर जो यहाँ पर पीएसपी का फोल्डर है उस पर जो है टाइप करना है एक बार और इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर जो है चीट्स के जो फोल्डर है उस पर जाएंगे और यहाँ पर जो पेस्ट का आइकन है उस पर जो है टैप करके पेस्ट कर देंगे फाइल को और अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कर दीजिए रिप्लेस और हो चुका है यहाँ पर पेस्ट हमारा फाइल। अब चलते हैं फिर से एमुलेटर में। हम लोग आ चुके हैं एमुलेटर में, यहाँ पर जो है सिंपल सा गेम को प्ले कर दीजिए और यहाँ पर बैक हो जाइए और यहाँ पर जो है चीट्स में जाइए और यहाँ पर जो है मैंने चीट्स को इनेबल किया, वही इनेबल करिए नहीं तो आपका जो है गेम जो है कुछ ऑप्शन मतलब ब्लू कलर का आ जाएगा और गेम प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से जो है यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन का है, फिर नीचे जो है जनरल चीट्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं इस तरह से और जो टिक करना है जो भी आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो इन्फिनिटी एमओ का चीट है वो काम नहीं करता है जहाँ तक मैंने देखा है, आपके फ़ोन में हो सकता है काम करे लेकिन पीसी में ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हो जाएंगे बैक, जब चीट को इनेबल कर लीजिए तो यहाँ से हो जाइएगा बैक और यहाँ पर कंटिन्यू। ठीक है, अब जो है एक्स बटन से जो चीज़ें हैं स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्किप कर देते हैं सारी चीज़ें एक्स बटन से। ठीक है, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स बटन को दबाया और यहाँ पर स्टार्ट बटन और यहाँ पर एक्स बटन से सेलेक्ट करते हैं, स्टोरी मोड को जो है प्ले कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है नया फाइल सेव कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पर जो कर्सिन आ चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं कर्सिन आ चुका है, इसको जो है एक्स बटन से स्किप कर देते हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी लंबा हो सकता है। तो यहाँ पर आ चुके हैं मेन जो हमारा मिशन है, तो यहाँ पर चलते हैं जो वहाँ पर दरवाज़ा जो बंद हुआ है। तो वहाँ मतलब इस जो गेम में जो है जो मतलब कि बंदूक वगैरह भी है और फाइट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है खोलते हैं, तो यहाँ पर जो है खाली है सर, तो पीछे से भी एक बंदा जो है अटैक कर देगा और यहाँ पर अटैक किया और यहाँ पर नीचे चला जाएगा और यहाँ पर जो है हमारा मतलब स्टोरी शुरू हो जाएगी, मतलब यहाँ से हमें जो है गेम को प्ले करना है आगे। तो यहाँ पर नीचे के रास्ते से चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो दुश्मन है वो आ रहे हैं तो इनसे जो है फाइट करना है, तो यहाँ पर जो है इसको स्किप नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अब जो है फाइट करते हैं। तो अलग अलग लाइट अटैक और हैवी अटैक का ऑप्शन है और गन शूटिंग का एल बटन से है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बटन जो है फिर से कर्सिन आया था, तो यहाँ पर शूट करना है। ठीक है, एल बटन से और यहाँ पर जो है गोलियाँ जो एक तीन ही बची है यहाँ पर और यहाँ पर इनको भी मारते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ चुके हैं तो और चलते हैं आगे और यहाँ पर जंप करना है और इसको जो है देखते हैं ले लेते हैं या नहीं, तो ये जो है नहीं ले पा रहे हैं, तो चलते हैं सामने की तरफ और यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है इनको फेंकना है, तो इनको पहले देखते हैं एक दो को मार के। और यहाँ पर जो आपको मिलता है बटन जो है सर्कल वाला, उससे जो है पकड़ना है, यहाँ पर जो है बंदूक से शूट करना है इस तरह से और यहाँ पर इनको मारते हैं। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया इनको मारना, मतलब जल्दी मार सकते हैं। तो यहाँ पर इनको पकड़ते हैं एक को, क्योंकि भाई ये सारे काफ़ी परेशान कर रहे हैं क्योंकि एक बार आ रहे हैं, यहाँ पर फेंक देते हैं काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मतलब रास्ता खुल चुका है, अब चलते हैं। यहाँ पर जो है मतलब ऑटोमेटिक जो है कैमरा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब जो दुश्मन हैं इनको मारते हैं, ढेर सारे हैं, और इनको मारने के बाद जो है हमें चलना है आगे की तरफ। और यहाँ पर जो है इनको जो है मैं लाइट अटैक और हैवी अटैक मार रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी है, तो इसमें जो है इनको मतलब जो अनलिमिटेड हेल्थ है तो कोई दिक्कत है नहीं हमें सारी चीज़ें। तो
और यहाँ पर जो है बॉम वगैरह भी इसमें है, ठीक है, ग्रेनेड वगैरह। तो अभी मैं दिखाऊंगा उनका यूज करके। तो अब जो है यहाँ पर सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉम वगैरह है, उनको ले लेते हैं और अनलिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉयस्टिक के ऊपर वाली बटन है उनसे जो है आप जो है मतलब स्विच कर पाएंगे और मतलब यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बटन है, नीचे वाला ले लेंगे और इससे स्विच कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हाथों में ले लेते हैं और यहाँ पर फेंकते हैं, इसे फेंक दिया और ये विस्फोट हो जाएगा, टूट जाएगा। वैसे भी तोड़ सकते हैं हाथों से भी, यहाँ पर पंच कर तोड़ देते हैं और चलते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ पर इसको जो है अभी मैजिक नहीं है तो नहीं खुलेगा, ठीक है, बाद में मैजिक ऐसे आ जाएगा तो खुल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब दुश्मन आ रहे हैं, इनको मारते हैं, फाइट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे दुश्मन आ चुके हैं, इनको मारते हैं भाई। यहाँ पर ये बंदा है जो है काफ़ी परेशान कर दिया है, इसको फेंक देते हैं।